आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के अमाल किए हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ताल्लुक रूहानी आमलीन में से है, और उन्होंने मुझे कनेक्ट किया हुआ है। मैं उनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट आई है कि हांडी के ज़रिए हम जादू का उतारा कैसे कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी से ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी, ईवल आई, या फिर जो हसद की नज़र की वजह से तबाहियां आ जाती हैं घरों में, या फिर नज़र बद की वजह से जो इंसान बर्बाद हो जाता है, इन तमाम असरात का हल और इन तमाम असरात को रिमूव करने का, ख़त्म करने का जो तरीका है हांडी के अमल के ज़रिए, वो तरीका हमें बताया जाए। इसके साथ साथ मुझे ये भी रिक्वेस्ट की गई है कि इंतहाई मुख्तसर से वक्त में आपने तमाम तरीक़ों को बताना है, और जब आप ये तरीके बता रहे होंगे तो आपने कोई भी लंबा लेक्चर नहीं देना है, सिर्फ टू दी टॉपिक आपने गुफ्तगू करनी है। और मुख्तसर से वीडियो में हांडी के ज़रिए हम लोगों का उतारा कैसे कर सकते हैं और हांडी के अमल के ज़रिए ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव किया जाता है और हांडी के अमल के ज़रिए शैतानी जिन्नात के जो असरात होते हैं उन्हें कैसे निकाला जा सकता है, इन तमाम चीज़ों को आप मुख्तसर से वक्त में बयान करें। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हुई थी, कुछ रूहानी आमलीन की तरफ से, कुछ हमारे स्टूडेंट्स की तरफ से, कुछ मोहब्बत करने वालों की तरफ से। तो उनकी रिक्वेस्ट पर मैं टू डी टॉपिक, टू द पॉइंट, मुख्तसर से वक्त में सिर्फ अमल का तरीका बताऊँगा। तो हांडी के अमल के ज़रिए जादू का इलाज और शयातीन जिन्नात का इलाज आसानी से हो जाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि शयातीन जिन्नात के असरात अगर आपके जिस्म में मौजूद हैं, या फिर जादू की वजह से अगर आपके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो हमें हंसता हुआ नहीं देख पाते, बहुत सारे लोग होते हैं ना जो नहीं चाहते हम हंसी खुशी अपने घर में ज़िंदगी गुजारें अपने बच्चों के साथ, तो वो हसद में आकर बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि वो जादू टोना करवा देते, हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर दूरियां पैदा कर देते हैं, नफ़रतें पैदा कर देते हैं, या फिर जादू के ज़रिए, ब्लैक मैजिक के ज़रिए भी कारोबार को ख़राब करने की कोशिश की जाती है, तरक्की को जवाल में तब्दील करने की कोशिश की जाती है। फिर जादू के मुख्तलिफ़ अमाल ऐसे भी होते हैं जिनके ज़रिए बंदिशें लगाई जाती हैं, जिस्मानी बीमारियों के लिए बंदिशें लगाई जाती हैं, जहन ख़राब हो जाए इसके लिए बंदिशें लगाई जाती हैं, जहन को बांध दिया जाता है, दिमाग को बांध दिया जाता है, जिस्मानी अज़ा को बांध दिया जाता है, क्योंकि ये जो शैतानी असरात होते हैं ये इंसान को बार बार बीमार करते हैं, बाज़ मरतबा असाबी कमज़ोरी पैदा करने के लिए, और मर्दों के अंदर ख़ास ताकत जो होती है उसको ख़त्म करने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए भी बंदिश लगाई जाती है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो ख़वातीन पर बंदिश लगा देते हैं और ख़वातीन को मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, जिस्मानी प्रॉब्लम्स, बाज़ मरतबा प्रेगनेंसी ना हो, औलाद ना हो, तो उस पर भी बंदिश लगाई जाती है और मुख्तलिफ़ अमराज़ पैदा किए जाते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी ही नहीं होती। तो जब प्रेगनेंसी नहीं होगी तो इंसान साहिब औलाद कैसे होगा? तो इन तमाम चीज़ों का इलाज जो है फौरी तौर पर इनके असरात को तोड़ देता है, नेगेटिविटी को तोड़ देता है, नेगेटिव एनर्जीज़ को तोड़ देता है हांडी का जो अमल होता है, और तमाम की तमाम नेगेटिविटी उस हांडी में मुंतकिल हो जाती है आपसे निकलकर, तो इससे बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। तो हांडी के ज़रिए हम जादू का उतारा कैसे करेंगे और हांडी के ज़रिए हम ब्लैक मैजिक को कैसे रिमूव करेंगे और हांडी के ज़रिए शयातीन जिन्नात के असरात को कैसे तोड़ेंगे, उसकी मुख्तसर सी तरतीब सुन लीजिए। किन किन चीज़ों को आपने परचेज़ करना है वो भी सुन लें, उसके बाद अमल कैसे करना है सारी तरतीब मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप एक हांडी का इंतज़ाम करें ढक्कन के साथ जो कि मिट्टी की हो, मिट्टी की एक हांडी ले लें जो कि ढक्कन के साथ हो। उसके बाद फिर आपने 7 अदद लेमू लेने हैं, 7 अदद लेमू लेने के बाद फिर आपने काली माश की दाल लेनी है 1 पाव, और उसके बाद फिर आपने बिल्कुल थोड़ा सा, इतना सा आपने सरसों का तेल लेना है। ये भी लेकर आप सामने रखेंगे, सरसों का तेल, काली माश, हांडी और लेमू, और इसके अलावा थोड़ा सा आपने जर्दे का रंग ले लेना, जो जर्दे वगैरह में रंग डालते हैं ना लाल रंग, वो भी ले लेना है आप।
बगैर हड्डी वाला गोश्त लेना है, थोड़ा सा गोश्त ले लें बगैर हड्डी वाला, और उसके 7 टुकड़े कर लें। 7 टुकड़े करके बगैर हड्डी वाला गोश्त भी अपने सामने रखेंगे, और इसके साथ साथ 7 गुलाब के फूल लेकर अपने सामने रखेंगे। इन तमाम चीज़ों को अपने सामने रख लें, मरीज़ को अपने सामने बिठा दीजिए। अब आप जिस चीज़ के भी आमिल हैं उसे आप पढ़ना शुरू करें। मसलन आप सूरह मुज़म्मिल के आमिल हैं, सूरह यासीन के आमिल हैं, आयतल कुर्सी के आमिल हैं, सूरह फलक सूरह नास के आमिल हैं, सूरह इखलास के आमिल हैं, या फिर कुरान पाक की किसी भी सूरत की आयत के आप आमिल हैं, या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नाम हैं उनमें से किसी का आपने अमल किया हुआ है और आप उस पर आमिल हैं। अगर आप किसी सूरत के आमिल हैं तो आपने सिर्फ 7 मरतबा पढ़नी होगी सूरत को, अगर छोटी सूरत है, और अगर कोई बड़ी सूरत है तो उसे सिर्फ 3 मरतबा पढ़ लें। अगर आप किसी आयत के आमिल हैं तो आपने 40 मरतबा उस आयत को पढ़ना होगा, और अगर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफाती नामों में से किसी नाम के आमिल हैं, उस पर आपने अमल किया हुआ है, उस पर आप आमिल हैं, तो आपने 313 मरतबा पढ़ना होगा। मुख्तसर सी तरतीब बता रहा हूँ क्योंकि मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर तरतीब होगी, लेकिन बहुत पावरफुल तरीका है ये। जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपने कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो भी मेरा मरीज़ है उसके ऊपर से हर तरह की नेगेटिविटी, नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो रही है, रिमूव हो रही है। पढ़ने के बाद ये जो जितनी चीज़ें पढ़ी हुई हैं इन सब पर आपने दम कर लेना है, इंक्लूडिंग हांडी, हांडी पर भी दम करना है, और उस मरीज़ पर भी दम कर दें, और एक पानी की बोतल पर भी दम कर दें। इसके अलावा आपने एक और चीज़ भी बनानी है, और वो क्या है, वो है नक्शे सुलमानी कहरी। नक्शे सुलमानी कहरी की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो को देख लें, उसकी पूरी तरतीब देख लें, और नक्शे सुलमानी कहरी को भी बनाकर आपने अपने पास रख लेना है। जिन लोगों ने मुझसे इजाज़त ली हुई है पहले ही से ही, जब मैंने नक्शे सुलमानी कहरी की वीडियो अपलोड की है उससे पहले मैंने उसकी इजाज़त दे दी थी और वो अमल करवा दिया था, वो लोग एक अदद नक्शे सुलमानी कहरी को तैयार करके अपने सामने रख लें। अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले लेमू उस मरीज़ के ऊपर से उतारने हैं, 7 के 7 उसे हांडी में डाल दें। उसके बाद आपने काली मार्श लेनी है, वो भी उसके ऊपर से आपने 11 मरतबा उतारनी है, उसे भी हांडी में आप डाल दें। याद रखिएगा काली मार्श को आपने उसके जिस्म पर नहीं मलना है, वो अमल कुछ दूसरा होता है, वो फिर मैं आपको कभी बाद में बताऊँगा। हर अमल की एक तासीर होती है, इस अमल की भी ख़ास तासीर है। जब आप करेंगे तो मरीज़ ख़ुद बोलेगा कि मुझे रिलीफ मिल गया, मुझे सुकून मिल गया, आराम आने लगा। पहले ही दिन से काली मार्श डाल दी आपने, अब आपने क्या करना है, जो आपने जर्दे का रंग लिया था वो भी उसके ऊपर से 21 मरतबा उतार कर आपने उस हांडी में डाल देना है। गोश के जो 7 टुकड़े लिए थे आपने, गोश के जो 7 टुकड़े लिए थे वो भी 21 मरतबा उस मरीज़ के ऊपर से उतार कर आपने उस हांडी में डाल देना है। आखिर में बच गए गुलाब के 7 फूल, तो ये जो गुलाब के 7 फूल हैं ये आपने एक एक करके उतारने हैं, 7-7 मरतबा। एक गुलाब का फूल 7 मरतबा उतारेंगे उसे हांडी में डालेंगे, दूसरा गुलाब का फूल 7 मरतबा उतारेंगे उसे हांडी में डालेंगे, तीसरा गुलाब का फूल 7 मरतबा उतारेंगे उसे हांडी में डालेंगे। इस तरीके से 7 गुलाब के फूल हांडी में डल जाएंगे। याद रखिएगा जब आप ये अमल कर रहे होंगे और मरीज़ के ऊपर से तमाम चीज़ें उतार रहे होंगे तो आप जिस चीज़ पर भी आमिल हैं आपने उसका विर्द करना है दिली दिल में। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इस हांडी के ढक्कन को बंद करना है, आटे का लेप इस पर लगाना है। जैसे आटा गूंदेंगे आप या गूंदा हुआ रखा हुआ होगा पहले से, इस आटे को भी पहले तैयार कर लीजिएगा, और उस आटे के लेप से उस हांडी के ढक्कन को बंद कर देंगे। उसके बाद लाल रंग के कपड़े में इस हांडी को आपने लपेट देना है, और लपेटने के बाद, बांधने के बाद फिर आपने इसको किसी भी बहते हुए पानी में बहा देना है। समुंदर में बहा दें तो बेहतर है, किसी नहर में बहा दें तो बेहतर है, दरिया में बहा दें तो बेहतर है, इसे बहते हुए पानी में आपने फौरी तौर पर बहा देना है। जब ये हांडी तैयार हो जाएगी तो आपने मरीज़ के पास रुकना नहीं है, आपने इस हांडी को ले जाना है और ले जाकर इसको आपने पानी में बहा देना है। आप जिस चीज़ पर भी आमिल हैं, चाहे आपने मेरी इजाज़त से कोई अमल किया हुआ हो, सूरह रहमान का अमल किया हुआ हो, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने सूरह यासीन का अमल किया हुआ है, सूरह मुज़म्मिल शरीफ के ख़ास अमाल किए हुए हैं, सूरह कौसर के ख़ास अमाल किए हुए हैं, या फिर सूरह कुरैश के अमाल किए हुए हैं,
सूरह फातिहा के अमाल किए में, आयतल कुर्सी के अमाल किए में, या किसी भी कुरान पाक की सूरत के अमाल किए में जो कि मेरे स्टूडेंट हैं, अब मैं उनसे मुखातिब हूँ, या वो रूहानी आमलीन जो मुझसे कनेक्ट हैं और बहुत कुछ मुझसे सीख रहे हैं पूरी दुनिया से, अगर उन्होंने मेरी इजाज़त से कोई भी अमल किया हुआ है तो वो क्या करेंगे? वो हर तीसरे दिन उस मरीज़ को दम करेंगे। उस मरीज़ को लोबान दम करके दे दें, बखूर दम करके दे दें, या फिर अगरबत्ती, इन तीनों चीज़ों में से, कि वो इन्हें रोज़ाना इस्तेमाल करें अपने घर में। दूसरी चीज़, मरीज़ को पानी दम करके दे दें। तीसरी चीज़, मरीज़ को ऑयल दम करके दें, तेल दम करके दें जो वो अपने सर में लगाएगा। चौथी चीज़, मरीज़ को ये कहें कि तेल जो है वो सिर्फ सर में ना लगाए बल्कि अपने नाक में भी रोज़ाना इसके तीन कतरे डालना शुरू कर दें। पांचवी चीज़, मरीज़ को ये कह दें कि हफ्ते वाले दिन और मंगल वाले दिन वो गोश्त का सदका ज़रूर करें। हर 3 डेज़ के बाद हर तीसरे दिन आपने मरीज़ को दम करना है और उसकी नेगेटिविटी को रिमूव करना है। इसके साथ साथ अगर आप ये चाहते हैं कि और ज़्यादा तेज़ी के साथ आपका काम हो जाए, और आपने नक्शे सुलमानी कहरी की अगर ज़कात को अदा कर दिया है, तो आप वो नक्शे सुलमानी कहरी उसे बनाकर दे दें, और जो अमल मैंने आप लोगों को तालीम किया हुआ है उसे आप करके उसे दे दें, और फिर आप देखें होता क्या है। मरीज़ को चंद दिनों में ही इतना अफाका होना शुरू हो जाएगा कि वो खुश हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, पुरसकून हो जाएगा, और उसके तमाम मामलात खुलना शुरू हो जाएंगे। नेगेटिविटी की वजह से जो भी प्रॉब्लम हो रही थी वो रिमूव हो जाएगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से। और अगर आपने नक्शे सुलमानी कहरी की ज़कात को अदा नहीं किया हुआ है, आप मेरे स्टूडेंट्स में से नहीं हैं, तो मैं बहुत जल्द नक्शे सुलमानी कहरी की ज़कात अदा करने का तरीका और इस नक्श से जादू जिन्नात के अलावा हम और क्या क्या काम ले सकते हैं, किस तरह से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं लोगों को, और किन किन चीज़ों में ये काम आता है। ये नक्श इंतहाई ख़ास है जो सिर्फ जादू या जिन्नात के हवाले से काम नहीं करता है बल्कि और भी इसके बहुत सारे काम हैं, वो बताऊंगा फिर आपको। तो बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला नक्शे सुलमानी कहरी की ज़कात अदा करने का तरीका मैं बता दूंगा, उस तरीके से आप ज़कात अदा करिएगा। इस नक्श के ज़रिए जादू और जिन्नात का भी खात्मा करिएगा, और इसके साथ साथ जो दीगर फ़ायदे हैं इसके वो भी आप हासिल करेंगे, आप भी हासिल करेंगे और आपके पास आने वाले लोग भी हासिल करेंगे। और अगर कोई इंसान ख़ुद अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए इसकी ज़कात को अदा करना चाहेगा तो मेरी तरफ़ से उसे इजाज़त होगी, मगर कब? जब मैं नक्शे सुलमानी कहरी की ज़कात अदा करने का तरीका बताऊंगा वीडियोस की शक्ल में, इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द ज़िंदगी रही तो फिर आपको पता चलेगा कि नक्शे सुलमानी कहरी के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या तासीर है इसकी और कैसे ये असर करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर तरह की आफात से महफूज फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हासिदों के हसद से, शरीरों के शर से, साहिरों के सहर से हमेशा हमेशा महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हर काम में तरक्की अता फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे कामों में आसानियां पैदा फ़रमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा खात्मा बिर खैर फ़रमाए, आमीन। अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।